दीपावली का पर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दीपावली की शुभकामनाएं सभी को दी और मां भारती की सुरक्षा में तैनात सेना के जवानों के साथ में वो दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के लेपचा बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं और देखिए किस तरीके से देश के बहादुर जवानों से उन्होंने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। और देखिए जब से बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली है तब से लेकर अभी तक हर साल निरंतर वो देश के वीर सपूतों के साथ में दीपोत्सव का पर्व मनाते हैं और ये 10वां साल जब बतौर पीएम मोदी जवानों के साथ में दीप पर्व मनाते हुए नजर आए, उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आए और 2014 से लेकर 2023 तक की ये 10 बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरे परिवारजनों, इस धरती ने इतिहास के पन्नों में पराक्रम की साई से अपनी ख्याति खुद लिखी है। आपने यहां की वीरता की परिपाटी को अटल, अमर, अक्षुण्ण बनाया है। आपने साबित किया है आसन्न मृत्यु के सीने पर, जो सिंहनाद करते हैं जाता है काल स्वयं, पर वे वीर नहीं मरते हैं। कहां भी गया है अवध तहां, जहां राम निवास हो, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात है, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। 2014 में मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर अब तक मोदी बतौर प्रधानमंत्री 9 बार देशवासियों के साथ दिवाली मना चुके हैं। हर बार उन्होंने जवानों के बीच जाकर इस त्योहार को सेलिब्रेट किया, सरहद के रखवालों का हौसला बढ़ाया। दिवाली का इतिहास श्री राम से जुड़ा है। श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। राम जब लौटे थे तब अयोध्या में खुशियां आई। अयोध्या वासियों ने राम सीता का स्वागत दीपावली मनाकर किया। इस बार की दीपावली भी बहुत खास है क्योंकि कुछ महीनों बाद ही रामलला का भव्य मंदिर खास होगा। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने ही मंदिर का भूमि पूजन किया था और 22 जनवरी 2024 को मोदी ही रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यजमान होंगे। नरेंद्र मोदी के आराध्य श्री राम हैं। मोदी की राम भक्ति ही उनकी असल शक्ति है, लेकिन देश की असल शक्ति देश के जवान हैं। मोदी इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं, इसीलिए हर बार मोदी अपनी दीपावली देश के पराक्रमी जवानों के साथ मनाते हैं। कभी एलओसी पर तो कभी एलएसी पर, कभी खून जमा देने वाली सियाचिन बॉर्डर पर तो कभी सबसे ऊंची भारत की सीमा पर। मोदी चाहे कितने भी बिजी हों, दीपावली का जश्न जवानों के साथ ही मनाते हैं। बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर जवानों के बीच पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री का अपने बीच होना जवानों के लिए बूस्टर डोज जैसा होता है। पीएम मोदी भी देश की 140 करोड़ जनता को ही अपना परिवार मानते हैं। उन्हीं परिवार में ये जवान भी शामिल हैं। शायद इसीलिए वो अपने परिवार के साथ दीपावली मनाते हैं। मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और
अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। मेरी दीपावली का उल्लास आपके पास है, मेरी उमंग आपके साथ है। मेरा सौभाग्य है, मुझे बरसों से दिवाली आपके बीच बॉर्डर पर आकर मनाने का अवसर मिल रहा है। पीएम मोदी ने यह जताया कि जवान उनके दिल में बसते हैं, उनके बीच आकर दिवाली मनाना उन्हें अच्छा लगता है। पीएम मोदी अब तक 9 बार जवानों के बीच पहुंचे हैं, उनके साथ दीपावली का त्योहार मनाते रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी, तब वो बतौर पीएम दिवाली पर सियाचिन पहुंचे थे। 2015 में पंजाब में जवानों के साथ दिवाली का जश्न मनाया, इस दौरान 1965 युद्ध के वॉर मेमोरियल भी पहुंचे। साल 2016 में हिमाचल के किन्नौर में भारत चीन बॉर्डर के पास जवानों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई। साल 2017 में जम्मू कश्मीर के गुरेज, साल 2018 में उत्तराखंड के हर्षिल पहुंचे, जहां इंडो तिब्बत बॉर्डर पर पुलिस जवानों संग दिवाली मनाई। 2019 में पीएम मोदी राजौरी में एलओसी पर तैनात जवानों के बीच थे, 2020 में जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर और साल 2021 में राजौरी के नौशेरा सेक्टर में मोदी ने दिवाली मनाई। साल 2022 में भी पीएम मोदी ने अपनी इस परंपरा को बरकरार रखा। पीएम मोदी करगिल पहुंचे, जवानों के साथ दिवाली मनाई, उन्हें मिठाई खिलाई। मोदी जब जवानों के बीच दिवाली सेलिब्रेट करने पहुंचते हैं तो एक जवान के तौर पर दिखते हैं, वो जवानों की वेशभूषा में नजर आते हैं। एक प्रधानमंत्री को इस वेशभूषा में देखकर देश के जवानों का जोश कई गुना हाई हो जाता है। पिछले 9 साल में देशवासी बतौर प्रधानमंत्री मोदी को जवानों के साथ दिवाली मनाते देखते आए हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि जवानों से उनका लगाव कितना पुराना है। गुजरात के मुख्यमंत्री होने के दौरान भी उनकी दिवाली जवानों के साथ ही होती थी। 2001 में मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तब से लेकर आज तक वो परंपरा अविरल जारी है। इस बात का जिक्र खुद मोदी ने गुरेज में सेना के जवानों के बीच किया। मैंने कभी मुख्यमंत्री बना तब से अब तक कई वर्षों तक मैं मुख्यमंत्री रहा, अब प्रधानमंत्री बन गया। मैंने एक भी दिवाली अपने हेडक्वार्टर पर नहीं मनाई, हर बार मैंने दिवाली सीमा पर मनाई। पिछले 18 साल से कभी बीएसएफ के साथ, कभी फौज के साथ, हमेशा ऐसे ही करता रहा हूं। और उसी का हिस्सा है कि आज भी दिवाली मनाने आप लोगों के बीच आया हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरे मन में यही भाव रहता है कि हम लोग मिलकर के अपनी कठिनाइयों को भी दूर करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को भी पूर्ण करेंगे। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के नौशेरा की है, जहां दुश्मन देश पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का खतरा बना रहता है। लेकिन साल 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जवानों के बीच दिवाली मनाने पहुंच गए। बॉर्डर के निगहबानों से बात कर मोदी ने उन जवानों को परिवार की कमी ना महसूस होने देने की हर कोशिश की। हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहां प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। साल 2020 जब पूरा देश कोरोना महामारी से परेशान था,
उस वक्त भी देश के प्रधान सेवक ने अपनी इस परंपरा को जारी रखा और जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर जवानों के बीच दिवाली मनाने पहुंचे। जिस रेगिस्तान पर आम लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है, उस तपती धरती पर देश के रणबांकुरे देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ऐसे में वहां पहुंचकर पीएम मोदी ने जवानों को न सिर्फ मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया बल्कि उनके शौर्य और पराक्रम का बखान भी किया। यहां लोंगेवाला की एक्सपोस्ट पर तो देश भर की नजरें भी आप पर है। मां भारती के लाडलों, मेरी इन बेटियां, मेरे देश की गौरव देने वाली बेटियां जो मेरे सामने बैठी हैं, उन देश की नजर है। मुझे लगता है कि देश की सरहद पर अगर किसी एक पोस्ट का नाम देश के सबसे ज्यादा लोगों को याद होगा, अनेक पीढ़ियों को याद होगा, तो उस पोस्ट का नाम है लोंगेवाला पोस्ट। हर किसी की जुबान पर है। एक ऐसी पोस्ट जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री को छूता है तो सर्दियों में शून्य से नीचे चला जाता है, और मई जून में ये बालू जिस प्रकार से आती हैं, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाते। इस पोस्ट पर आपके साथियों ने शौर्य की एक ऐसी गाथा लिख दी है जो आज भी हर भारतीय के दिल को जोश से भर देती है। लोंगेवाला का नाम लेते ही हृदय की गहराई से, मन मंदिर से यही प्रकट होता है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ২০২০ की दिवाली के दिन नरेंद्र मोदी ने लोंगेवाला पोस्ट पर मां भारती के बलिदानियों के सामने शीश झुकाया और खुद टैंक की सवारी भी की। साल 2019 चुनावी साल, जब मोदी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए, दूसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। पीएम ने इस बार भी दिवाली जम्मू के बीच जाकर मनाने का फैसला किया और जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे। अपने बीच पीएम मोदी को पाकर न सिर्फ जवान खुश हुए बल्कि जोश से भर गए। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि दीपावली अपने परिवारजनों के बीच में मनानी चाहिए, और इसलिए मैंने भी नियम बनाया है कि मैं भी दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसलिए आज दिवाली मनाने के लिए मेरे परिवारजनों के बीच आया हूं। आप ही मेरा परिवार है। अपने परिवार से दूर रह करके आप लोग सिवाय भारत माता, 125 करोड़ देशवासी, ये सब सोचते सोचते आखिर में खुद के परिवार का सोचते हैं, ऐसे लोग हैं। सबसे पहले आपको देश ही याद आता है। ये नजारा 7 नवंबर 2018 का है। मुहूर्त दिवाली का था। इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री उत्तराखंड के हर्षिल पहुंच गए, जहां हिमालय की दुर्गम चोटियों पर दुश्मन के दुस्साहस को किसी भी वक्त नाकाम करने का मादा रखने वाले आईटीबीपी के जवानों के साथ नरेंद्र मोदी ने दिवाली की खुशियां साझा की। देश की ऊर्जा बनाए रखने के लिए
देश को शक्तिमान बनाने के लिए, देश को सामर्थ्यवान बनाने के लिए आत्मनिर्भर रहकर के सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। ये सिर्फ धरती के किसी हिस्से की सुरक्षा नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा है।